नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण में बनाए जा रहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भारी घपलों को देखते हुए जिला कलेक्टर के द्वारा बनाई गई टीम ने छापा मारा और रिकॉर्ड सीज कर लिया। साथ ही दोनों लाइन पर ऑनलाइन पासवर्ड को बदल करके इनके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी उपायुक्तों को दे दी गई है। सीज रिकॉर्ड की अब जाँच की जाएगी। कलेक्टर के द्वारा गठित टीम के प्रभारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सेलिंग कृष्णा शुक्ला ने बताया कि नगर निगम कोटा उत्तर को कोटा दक्षिण के हेल्पलाइन पर बनाए जा रहे जनमत प्रमाण पत्र में गड़बड़ियां किए जाने की शिकायत लगातार जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को मिल रही थी। ये मामला पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की गई समीक्षा बैठक में भी उठाया गया था। इस पर कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उनके अलावा दोनों कमिश्नर अनुराग भार्गव, सरिता सिंह और अन्य को भी शामिल किया गया है। टीम के सभी सदस्यों में शुक्रवार को सुबह नगर निगम पहुंचकर वहां का रिकॉर्ड सीज किया गया। वहीं हेल्पलाइन का पासवर्ड बदल करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने की जिम्मेदारी उपायुक्त जवाहर जैन वी भावना शर्मा को दी गई। सीज किए गए रिकॉर्ड की जाँच कलेक्टर के द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा की जाएगी। पहले पीला फॉर्म था, फिर मैंने इसमें पूछा कि जनाधार जरूरी है क्या इसमें, तो फिर उन्होंने कहा कि जनाधार के भाई साहब जरूरी है। मैंने कहा आप बताओ कि जनाधार की क्या वजह क्या है, कोई बता नहीं पाया। फिर उन्होंने वापस से परेशान करा, कम से कम 5 से 6 चक्कर लगा चुका हूँ 1 महीने में, और पता नहीं अंदर जाने कौन है दाढ़ी वाला। उनने कहा कि आप तो मुझे बताओ, कोई भी हो ले दे के अपन कर लेंगे, यूँ बोला उसने। अब ये पता नहीं है मुझे कौन है वो। अब उसने मैंने क्योंकि मैं तो कर अपन तो करते नहीं, अपन तो सीधे साधे ये बोला मैंने उनसे कि आप तो ये खाली ये मुझे तो जन्म प्रमाण पत्र का कैसे चाहिए, कुछ ना कुछ इसका आप करो जुगाड़। लेकिन उन्होंने बोला कि भैया मुझे तो ये आप कुछ ले दे के कर लेंगे। करी ना मैंने ट्विटर पे करी है मैंने, तभी तो ये इतनी सारी ये लफड़ा हुआ। ट्विटर पे मैंने उन्हें ये शिकायत करी थी अपने CM को और अपने ये कलेक्टर साहब को, यहाँ पर शिकायत करी थी मैंने, उसके बाद में ये पूरा मामला खुला है। जो अनियमितताओं की शिकायत थी उसके संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, उसमें चूँकि अध्यक्ष मैं हूँ और बाकी जो मेंबर्स हैं, तो उस कमेटी के द्वारा जो रिकॉर्ड्स की जाँच की जाएगी और उसके आधार पर जो निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा, इस उद्देश्य से रिकॉर्ड सुरक्षित रहे और उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो, इस पर्पज से हमने आज जो रिकॉर्ड था वहाँ का ऑफलाइन रिकॉर्ड है वो हमने सीज कर दिया है, और जो ऑनलाइन जो उस पर गतिविधि होती है पोर्टल पे उसका पासवर्ड जो है वो चेंज करवा के, और जो एडिशनल कमिश्नर हैं दोनों निगम के कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के, उनको वो पासवर्ड प्रोवाइड किया है ताकि वो स्वयं की देखरेख में उसका अप्रूवल जारी करें।